Good evening, everyone. We welcome you all here tonight for a fabulous evening and masti time. आज सारी फैमिली हमारा एडोरेबल एंड लविंग चिराकी कॉकटेल पार्टी के लिए गैदर हुई है. हर शादी की तरह हमने सोचा कि इस बार क्या किया जाए जिससे ये शाम मेमोरेबल हो जाए. पहले सोचा कोई डांस वांस करते हैं जो हम हमेशा करते हैं. फिर हमने सोचा कि ऐसा क्या करें जिससे ये शाम शानदार बन जाए. फिर दिमाग में एक मस्त आइडिया आया कि क्यों ना अरोरा फैमिली पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए. बस फिर क्या था, लग गए हम एक शानदार इवेंट की तैयारी में. तो चलिए आइए आपको ले चलते हैं उस दौर में 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ. इस बंटवारे में कई हिंदू फैमिलीज पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गई और उसमें से एक थे हमारे प्यारे लाला जी और झाई जी, जो अपने दो बच्चों सोमनाथ जी और संतोष जी के साथ इंडिया आ गए. अलग अलग जगह पर जीवन को व्यतीत करते हुए ये कहानी बड़ौद से शुरू होती है जहाँ इस परिवार ने सबसे ज़्यादा समय बिताया. जिंदगी के दो पहलू हैं, कभी खुशी कभी गम, पर अपनी इस स्टोरी का टाइटल हमने दिया है हमेशा खुशी नहीं गम. इसलिए नहीं कि इस परिवार पर कभी कोई दुख नहीं आया, इसलिए क्योंकि इस परिवार ने अपनी एकता से और प्यार से दुखों के समय को खुशी में बदल दिया. ये है बड़ौद का वह घर जहाँ इस परिवार ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की. आपसी प्यार, बड़ों का दुलार, छोटों का स्नेह से जुड़ी हैं इस घर में कई मीठी यादें. यही थी भाई बहन की लड़ाई, उनकी नोक झोंक. यहाँ कोई किसी को बाबू, किसी को डब्बू या किसी को रामा कह के छेड़ता था. जहाँ खेलने के लिए सिर्फ थे कंचे, पतंगे और गिली डंडा. इस परिवार का एक और सदस्य थी नूरी गाय, जो हमारी झाई जी से बातें किया करती थी. धीरे धीरे करके परिवार बढ़ता गया और लाला जी पर जिम्मेदारी. एक खासियत जो इस परिवार को आज भी एक सूत्र में बांधती है वह है बड़े भाइयों का छोटे भाई बहनों की ओर अटूट प्यार, त्याग और जिम्मेदारी. वहीं छोटे भाइयों ने भी उनके प्यार को सराहा और उन्हें अनंत मान सम्मान दिया. बड़े भाई सोमनाथ जी और वीरभन जी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, लेकिन छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी ना आने दी. सभी ने अपनी शिक्षा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और दिगंबर जैन स्कूल से प्राप्त की. कपड़े के काम का पहला कदम शुरू हुआ नेहरू रोड, जहां हमारी पहली शॉप खुली. धीरे धीरे करके सब ने अपनी एजुकेशन पूरी की, अपने बड़े भाइयों का हाथ थाम कर अपना अपना स्थान बनाया. कड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद एंटरटेनमेंट का बस एक ही साधन रहता था, वह था भारत और विशाल सिनेमा. धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और सब बड़े हो गए. तीन बड़े भाइयों और एक बड़ी बहन की शादी हो गई. बड़े भाइयों का सपना पूरा करते हुए सुशील अरोड़ा ने दिन रात मेहनत कर और लगन से डॉक्टर बनने का मुकाम हासिल किया और पूरे परिवार का नाम रोशन किया. कारोबार को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने के लिए हम बड़ौद से धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट हो गए. छोटी बहन और बाकी भाइयों की शादी हुई और सब सेटल हो गए. अगर बड़े भाइयों ने त्याग किया तो भाभियों ने भी कोई कमी ना आने दी. आपसी प्यार और स्नेह बनाते हुए अपना फर्ज निभाया और ये एक हैप्पी जॉइंट फैमिली बन गई. Thank you.
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेल तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता ना रोटी की फिक्र, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते साहूकर, पीछे पीछे बैठी मम्मी बनके नौकर, चॉकलेट बिस्कुट टॉफी खाते और पीते दूध और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम, अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और दम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बचपन माँ से झगड़ा, बाप से टक्कर, बीवी से अनबन, कोलू के हम बैल बने हैं धोबी के गधे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए धना धन, बचपन अपना होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।